आबकारी नीति घोटाले में धन शोधन के आरोपों में अभी फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद यानी न्यायिक हिरासत में चल रहे राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत भी 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। ये अलग बात है कि इस मामले में उनके सहयोगी रहे सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने दे दी है। साथ ही सर्वेश मिश्रा को कोर्ट ने यह कहा है कि वह नियमित जमानत के लिए अर्जी दाखिल करें, क्योंकि सर्वेश मिश्रा की तरफ से कहा गया था कि उन्हें उनके पिताजी की तबीयत खराब है और उनके पिताजी का अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाला है, लिहाजा उन्हें इसके लिए उनके अपने पिता की देखभाल के लिए उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। और ऐसे में उनको अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन बात करें संजय सिंह की, तो संजय सिंह को थोड़ी राहत जरूर दी है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है जब संजय सिंह ने अर्जी लगाई, उनका ये कहना था कि 12 जनवरी को जब राज्यसभा चुनावों का जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्हें जाना है तो उन्हें हिरासत में ही सही, लेकिन राज्यसभा सचिवालय जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो वहाँ से अपने जीत का सर्टिफिकेट ले सकें। संजय सिंह के वकील ने बताया कि राज्यसभा चुनावों के लिए निर्विरोध उनका जीतना तय है, क्योंकि उनके मुखालिफ कोई दूसरे पार्टी का या दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है, लिहाजा 12 जनवरी को जब इस मामले में नतीजे आएंगे तो उन्हें जीत का सर्टिफिकेट लेने जाना होगा। कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी है। तो ये अलग बात है कि 20 जनवरी तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, लेकिन इस बीच 12 जनवरी को कोर्ट ने इससे पहले संजय सिंह को अपने नॉमिनेशन के पेपर्स पे दस्तखत करने के लिए भी राज्य नॉमिनेशन सेंटर पे जाने की इजाज़त दी थी, और साथ ही अब 12 जनवरी को भी उन्हें इजाज़त दे दी है कोर्ट ने कि वो जाएं और अपनी जीत का सर्टिफिकेट लें, और सर्टिफिकेट लेने के बाद संजय सिंह को वापस तिहाड़ जाना होगा। अगले 20 जनवरी तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 20 जनवरी को कोर्ट तय करेगा कि उनके आगे का क्या किया जाए। संजय शर्मा, दिल्ली।